और बुधविहार में उसका जो पुनः नवीनीकरण जो है पुनरुद्धार कार्य में ना अपना ज़्यादा ना रुच ले रहे हैं। तो जो रिनोवेशन का कार्य है ना, तो उसमें जो वो लोग लगे हुए हैं, अच्छा, तो रिनोवेशन का खर्च उठा रहे हैं इसकी वजह से? नहीं, वो पासक लोग सब लोग मिल के कर रहे हैं जी। तो इसकी वजह से उनका हस्तक्षेप बढ़ा है? हस्तक्षेप तो पहले से भी है ना, अंत्य लोग से ना पहले से भी उनका कुछ है, नहीं बनते लोग के साथ में पहले से कुछ है, इसलिए हमको जानकारी नहीं, क्योंकि मैं लखनऊ में रहा नहीं, मैं ना बाहर में ज़्यादा रहा, नालंदा में रहा, बोधगया में रहा, श्रीलंका में रहा, फिर बनारस में, बनारस से इधर में आया, तो हमको पिछली जानकारियाँ नहीं है। जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप इतने सादे सीधे साधे स्वभाव के हैं, फिर इन लोगों के पचड़े में आप कैसे फंस गए कि आपको जो है आगे करके और एक पूरी रणनीति बनाई गई, यहाँ पर ताले बंद करवा दिए जाए? अब ये तो बात, इतना हमको राजनीति नहीं आती है, सीधी सी बात है, मैं कभी राजनीति पचड़े में नहीं पड़ा, अपना सादा जीवन हमेशा हम जीते रहे, वही अभी भी मैं जी रहा हूँ। मैं बहुत राजनीति हमको नहीं आती है, कौन क्या सोचता है, कौन किस उद्देश्य से क्या कर रहा है, हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले में महेंद्र सिंह का कुछ रोल तो समझ आ रहा है, जो यादव सिंह के शायद समझी है, उस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, उनका क्या है व्यक्तिगत है ना, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। ये तो आपको जानकारी होगी कि वो यादव सिंह के समधी हैं? हाँ, सुना है यादव सिंह जी के समधी हैं, कभी मैं मिला नहीं हूँ, कोई जानता नहीं। और ये ताला खोलने को लेकर क्या आप सोच रहे हैं कि ये डिस्प्यूट की ये ताला कब तक खोला जाएगा? ताला जल्दी खुल जाएगा, मतलब कितना समय लगेगा? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, क्योंकि सारे बिच्छू यहाँ पर लगभग 1 सप्ताह से बाहर रह रहे हैं। अब बंदे जी से बात अभी करेंगे ना, तो उन लोग चाबी किसके पास है ना, तो वो पता लगा के देखता हूँ। चाबी मिलने के बाद ताला खोल दिया जाएगा? मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। हाँ, क्योंकि आप इंचार्ज हैं, आप कोशिश करेंगे तो मामला निश्चित रूप से हल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।